हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूट्यूब में थंबनेल कैसे बनाएं, बहुत अच्छे से अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब में। आप भी यूट्यूब में वीडियो बनाते हो तो हर वीडियो में आपको थंबनेल बनाना ज़रूरी है। और आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता, बहुत लोग का थंबनेल अच्छा नहीं होता, बहुत लोग अच्छा बनाते भी नहीं थंबनेल। आपको अच्छा थंबनेल बनाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एकदम अच्छों में अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं सुनो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, मतलब एंड तक देखते रहना वीडियो को। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नाम है नबी करीम, आप देख रहे हैं इट्स टेक्निकल। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली आ चुका मैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले जाना है कोई भी एक ब्राउजर में जाना है। चलिए मैं क्रोम ब्राउजर पे जाता हूँ। जाने के बाद आपको इधर सर्च कर देना है सबसे पहले। ये मैं आपको एक बार गैलरी में जाके फोटो दिखा देता हूँ आपको, जो थंबनेल बनाना है आज की वीडियो पर। ये फोटो मुझे बनाना है, आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और यही थंबनेल आज की वीडियो पर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ऐसे ही एक फोटो खींच लेना है सबसे पहले। इस फोटो को मैं आपको सब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कोई भी एक ब्राउजर पे जाता हूँ। आपको इधर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च कर देना है इधर क्रोम ब्राउजर पे जाकर remove.pg सर्च कर देना है। आपको दिख रहा होगा remove.pg आपको सर्च कर देना है। अब मैं सर्च कर देता हूँ, बैकग्राउंड पूरा कट हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर, एक ही मिनट के अंदर हो जाएगा। और सेलेक्ट फोटो पे इस पर क्लिक करके आपको एक बार वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो हमको थंबनेल बनाना है, वो फोटो इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लिया, वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा दोस्तों। आप ये देख सकते हैं ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये मेरा ओरिजिनल फोटो है और ये पूरा बैकग्राउंड कट होकर PNG बनकर आया है। इसको अभी डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा ये भी। आप देख सकते हैं डाउनलोड भी हो गया। थंबनेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है पिक्सआर्ट में जाना है। आपको पिक्सआर्ट आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा पिक्सआर्ट ओपन हो गया। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद आपको इधर नीचे प्लस बटन दिख रहा होगा, प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी नीचे आना, आपको नीचे आकर इधर आपको कलर दिख रहे होंगे, कलर बैकग्राउंड आपको इधर नीचे दिख रहा होगा, इसमें आपको कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैं एक कलर कोई भी आपको कौन सा कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं कि यही कलर सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कौन सा अच्छा वो सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको कैंसिल कर देना है इसे। ये देख सकते हैं सो ऐसा है, ऐसा आने के बाद आपको नीचे इधर टूल्स का बटन आपको दिख रहा होगा, टूल्स बोल के ये टूल्स पे आपको क्लिक कर देना है, और क्रॉप बोल के इधर दिख रहा होगा, क्रॉप पे क्लिक कर देना है। क्रॉप पे क्लिक करके आपको इसमें आपको इस पर क्लिक कर देना है, ऐसा आपको इधर दिख रहा होगा 16.9 पे क्लिक कर देना है, और इतना ही थंबनेल का साइज होगा। इस पर आपको राइट बटन पे क्लिक करके राइट कर देना है, और ये साइज हमारा थंबनेल होगा। ये जो साइज दिख रहा है आपको यही साइज आप हमारा थंबनेल होगा, इससे भी ज़्यादा इससे भी छोटा हमारा थंबनेल नहीं हो सकता। इसलिए आपको अब क्या करना है, आपको नीचे आना है, इसमें स्लाइड करना है, इधर नीचे स्लाइड करके आपको आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद अभी भी हमने जो बैकग्राउंड कट करके अभी भी फोटो में किया था वो ब्राउजर पे जाके वो फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हमको एडजस्ट कर लेना है, ऐसे जितना हो सके उतना बड़ा कर लेना है पूरा, और इसके इस पर आपको इधर साइड में एक बार एडजस्ट कर देना है दोस्तों, और थोड़ा बड़ा हो सकता है इसको, और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ये देख सकते हैं एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद इसको एक बार फोटो पे क्लिक कर देना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको इधर एडजस्ट पे आपको इधर क्लिक कर देना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ाना है इसको सेलेक्ट करके, हमारे इस फोटो को थोड़ा व्हाइट हो सकता है। ये देख सकते हैं हमारे फोटो का और थोड़ा क्लियरिटी बढ़ गई है। आपको और फिर से इसको क्लिक करना है इस पर, आपको सारे इस पर क्लिक करके आपको थोड़ा थोड़ा फोटो को बढ़ा लेना है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं मैं सारे इसको कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा 2-3% आपको कर लेना है, और इसको इस पर नहीं करेंगे तो चलेगा। और इस पर क्लिक कर देना है आपको हेडलेट पे, इस पर क्लिक करके आपको और थोड़ा थोड़ा कर लेना है। अब देख सकते हैं तो मेरा थंबनेल मेरा फोटो जो है तो और थोड़ा क्लियरिटी हो जा रहा है। अब देख सकते हैं पहले जैसा था और उससे भी अच्छा थंबनेल मेरा हो जा रहा है। और फिर से आपको राइट पर क्लिक कर देना है, और राइट पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें आप जो आपको बैकग्राउंड में जो पट्टी दिखती है वो आपको जो कलर की आपको चाहिए वो कर ले सकते हैं। मुझे तो व्हाइट ही पसंद है तो मैं व्हाइट ही कर लेता हूँ। तो 6 पॉइंट करके आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बैकग्राउंड में व्हाइट पट्टी आपको दिख रही होगी, तो ये देख सकते हैं हमारा थंबनेल अभी ऐसा हो रहा है। और आपको फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद जिस टॉपिक से आप वीडियो बना रहे हो 4 वर्ड्स में आप इधर डाल देना है। चलिए मैं वो भी डाल देता हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, मैं पॉज करके डाल देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ बाद। ये देख सकते हैं तो हो गया,
हाउ टू मेक डाल दिया और नीचे आप लिखने वाला हूँ और आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको स्ट्रोक आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको बैकग्राउंड इसका भी थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, इसको जितना हो सके उतना कर सकते हैं। हमको इसमें 25 या 30 इतना ही कर देना है, 25 में यह लुक दिखेगा। ये देख सकते हैं हम हाउ टू मेक तो लिख दिया और इस पर भी इस पर आपको क्लिक करके और एक थंबनेल पे क्लिक कर देना है। इसको इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके आपको फिर से थंबनेल इतना लिख देना है। चलिए मैं थंबनेल लिख देता हूँ अभी, थंबनेल हाउ टू मेक थंबनेल इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा वर्ड्स आपको लिखना नहीं है, इतना ही लिखना है। अब ये जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ आज की वीडियो में, यही वो थंबनेल होगा दोस्तों। आप चाहिए तो देख लेना हाउ टू मेक थंबनेल, पूरा भर के लिख कर उसको तगड़ा नहीं करना तो थंबनेल को थोड़ा ही लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब ये देख सकते हैं अच्छा दिख रहा है, बहुत ही लुक दिख रहा है हमारा थंबनेल अभी। हाउ टू मेक थंबनेल हो गया दोस्तों, और नीचे आपको और कोई भी एक सिंबल आपको डाल देना तो डाल देना। मैं यूट्यूब का डाल देता हूँ, एक PNG मेरा ये था मेरे पास फोटो, वो डाल देता हूँ नीचे। ये देख सकते हैं दोस्तों हाउ टू मेक थंबनेल यूट्यूब, आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, ये थंबनेल हमारा सेव होगा। दोस्तों इतना ही लिख करना है आपको थंबनेल, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना ही करना है आपको थंबनेल। आप ये देख सकते हैं थंबनेल हमारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऐसे करके आपको अपना थंबनेल बना लेना है। दोस्तों मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आज के वीडियो में यही थंबनेल होगा दोस्तों, आप देख लेना, चाहिए तो देख लेना। स्किप पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये फोटो था मेरा, ये फोटो को मैंने थंबनेल बना दिया। ये पहले तो ऐसा था, अभी थंबनेल ना आया हुआ थंबनेल आपको बता देता हूँ। पिक्सआर्ट पे जाकर आपको ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा थंबनेल ऐसा बन गया है। ये थंबनेल अच्छा होना बहुत ज़्यादा आपको मैटर करता है, थंबनेल बहुत मैटर करता है, थंबनेल आपको अच्छा बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा थंबनेल बन गया है, ऐसा करके आपको थंबनेल बनाना है सबसे पहले। दोस्तों आपको फाइनली पता हुआ होगा दोस्तों थंबनेल कैसे बनाए, यूट्यूब में था वीडियोस में आपको थंबनेल कैसे बनाए आपको पता हुआ होगा दोस्तों। आपको ये बात जरूरी है, एक बात को आप ध्यान रखना दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना कम लिखना थंबनेल में, ज़्यादा आपको पूरा भरना नहीं आपको थंबनेल में, 3-4 वर्ड्स इतना ही लिखना है आपको थंबनेल में, पूरा आपको एकदम पूरा भरना नहीं आपको थंबनेल, एकदम तगड़ा नहीं करना अपने थंबनेल को, और थोड़ा लिखना जितना हो सके उतना कम लिखना। और आप जिस टॉपिक से आप वीडियो बना रहे हो उसी रिएक्शन से एक आपका फोटो लेकर आपको बाजू थोड़ा 3-4 वर्ड्स में लिख देना है आपको। ऐसे करने से आपका थंबनेल बहुत अच्छा बन जाता है। आपको थंबनेल का बहुत ज़रूरी है, थंबनेल मेन आप वीडियो बनाते हो तो मेन चीज़ आपको थंबनेल ही है। थंबनेल देखकर ही पब्लिक उसको क्लिक करेगी वीडियो को, इसलिए आपको थंबनेल ही जितना हो सके उतना अच्छा थंबनेल ही बनाना। आप वीडियो बनाने में जितना टाइम देते हो उससे भी कहीं ज़्यादा आप टाइम थंबनेल बनाने में दे दीजिए, और आपका थंबनेल अच्छा हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है थंबनेल पे ही क्लिक करके देखेंगे। तो मेन थंबनेल ही है दोस्तों, इसलिए आपको थंबनेल ही अच्छा बनाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो कर दो लाइक। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोज मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई न्यू वीडियो लेके आता हूँ, थैंक्स टू वॉच।